नॉर्मली जब आप अप्रेजल देख रहे हो, आप दो चीजें देखोगे उस बंदे के लिए. आप उसका एक तो परफॉर्मेंस भी देखोगे और आप उसका बिहेवियर भी देखोगे, दोनों देखोगे, ठीक है? क्योंकि काफी बार क्या होता है, बंदा यहाँ पे अच्छा है, इधर प्रॉब्लम है, या इधर अच्छा है, इधर प्रॉब्लम है, या दोनों में 50-50 है, कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली जैसे शेख सर ने कहा, एटलीस्ट वंस इन थ्री मंथ्स, अगर हो पाए तो महीने में आधा घंटा ही सही, एम्प्लॉय के साथ बैठो, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट. सो उसको पूछो, एंड यू हैव टू आस्क हिम लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स वर्किंग वेल, हाउ इज इट बीन, क्या कर रहे हो. महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार स्टार्ट मीटिंग योर एम्प्लॉयज एंड डिस्कसिंग देयर परफॉर्मेंस एंड व्हाट दे आर डूइंग इंडिविजुअली. आपके नॉर्मली एम्प्लॉयज कितने होंगे ऑर्गेनाइजेशन में? व्हाट्स द काउंट दैट यू ऑल वुड हैव फॉर योर एम्प्लॉयज? यू हैव 30, ओके. बाकी सब एवरेज कितना होगा आपका एम्प्लॉय? 14-15. तो 14-15 लोगों को मान लीजिए, अगर आप तीन महीने में आप प्लान कर लो, से जैन फेब मार्च, सो मार्च के लास्ट हफ्ते में एवरी डे और लास्ट टू वीक्स ऑफ मार्च एवरी डे आई विल मीट टू पीपल, और आप उनका कैलेंडर भी ब्लॉक कर लो, तो ऐसे इनवाइट भेज दो, एक्चुअली टाइम ब्लॉक कर लो, एंड इन दैट डिस्कशन यू शुड मेनली टॉक अबाउट आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, व्हाट्स वर्किंग वेल, व्हाट सपोर्ट डू यू नीड फ्रॉम मी. उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको उसका क्वार्टर का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, तो अगर उसके परफॉर्मेंस में कोई गैप है, आप इमीडिएटली डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करना पड़ेगा वो गैप ब्रिज करने के लिए. सेकेंड बेनिफिट क्या होता है, उस एम्प्लॉय के साथ आपका कनेक्ट एकदम से हो जाता है, सो ही ऑल्सो फील्स कि हम लोग एक साल के लिए नहीं रुके हैं, मेरा मैनेजर मुझसे अभी मिल रहा है, मैं मेरा क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख रहा हूँ. एंड आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है एंड में. सो आई सजेस्ट एक बहुत सिंपल टेम्पलेट देख सकते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए काजल के साथ आपका परफॉर्मेंस डिस्कशन चल रहा है, आधे घंटे में डिस्कशन हुआ, आप ये मेंशन कर सकते हो कि व्हाट आर दी एक्टिविटीज आई एम गोइंग टू डू, कब करूंगी, व्हेन विल आई डू दी एक्टिविटीज, एंड मे बी समथिंग लाइक व्हाट सपोर्ट आई नीड. सिंपल चीज़ें. सो फॉर एग्जांपल काजल विल लर्न एक्सेल, और काजल विल शैडो विद समवन, काजल विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस. मैं कहती हूँ अभी मार्च में मिल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ चलो मैं ये 15th मई तक करूँगी, मुझे सपोर्ट चाहिए, कुछ कुछ सपोर्ट चाहिए. ये एक सिंपल टेम्पलेट. आप मत इंफॉर्मेशन फीड करो, व्हेन यू आर मीटिंग दी एम्प्लॉई आप डिस्कस करो उनके साथ कि भाई अभी हम मिले हैं, अब कौन से एक दो चीज़ें तुम करने वाले हो. आप एक टेम्पलेट प्रिपेयर करो सिंपल सा, और उस एम्प्लॉय को बोलो वो टेम्पलेट फिल करने के लिए डिस्कशन के बाद. यू आर नॉट सपोज टू फिल इट, बिकॉज इट इज़ हिज एक्शन आइटम, इट इज़ हिज एक्शन प्लान, वो अपने वर्ड्स में फिल करेगा ना, उसको जैसे फिल करना है. तो मंडे आप मिल चुके, भाई हमने अग्री किया है कि तुम जो चीज़ें करोगे, वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट कमिंग टू ऑफिस ऑन टाइम एवरी डे. फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट? फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम नेक्स्ट वीक. एंड सेकेंड चीज़, मान लो तुम किसी के साथ शैडो करोगे या किसी का काम ऑब्जर्व करोगे, ये डिस्कस कर लिया, परफेक्ट. काजल को ये एक्सेल शीट भेज दिया, उसको बोला भाई तुम तीन दिन के अंदर ये फिल करके मुझे भेज दो. काजल ने भेज दिया, मैं भी खुश क्योंकि मेरे साइड से कमिटमेंट आ गया है, मैंने आपको भेजा है तो आपका टाइम नहीं गया है ये फिल करने के लिए. फिर मान लीजिए नेक्स्ट वीक मैं फिर से टाइम पे नहीं आ रही हूँ, तो तुम मेरे पास आ सकते हो, भाई तुमने तुम्हारे एक्शन प्लान में तो बोला था तुम टाइम से आओगे, क्यों नहीं आ रहे हो? इट्स ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड विथ यू. एंड टुमारो इफ यू वॉन्ट टू आस्क द एम्प्लॉय टू लीव इन एन एब्सोल्यूट वर्स सिचुएशन, ऑल दिस डेटा इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये ईमेल आपको एम्प्लॉय से आया है. आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है, एम्प्लॉयज हैव स्टार्टेड चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द कोर्ट, सेइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंपेल्ड मी टू लीव, मुझे फोर्स कर लिया जाने के लिए एंड ऑल, और काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं. बट अगर आपके पास ये सब ईमेल्स है जो एम्प्लॉय ने ही भेजा है, एक्शन प्लान सेंट बाय द एम्प्लॉय, सेंट ऑन सो एंड सो डेट, वर्स कम्स वर्स, ओके, और मैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीम ले रही हूँ, अगर कल को आपको चैलेंज भी किया जाता है, वो ईमेल्स तो आपको एम्प्लॉय से ही है, राइट? यू कैन यूज ऑल दैट डेटा वेन एवर नीडेड. But if you are sending it to the employee, you are doing your work, his work for him. And you are not supposed to do that. Uska kaam hai, usko email aapko bhejne do.